हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदिक्स डॉट इन। मैं हूं आपकी फ्रेंड सुभ्रा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट कर। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं राजमा की खिचड़ी। और राजमा की खिचड़ी जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अगर आपको खिचड़ी नहीं पसंद है तो आप इस तरीके से जरूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। एक कप मैंने यहाँ पे ओवरनाइट सोक किया हुआ राजमा लिया है और उसे हम लोग कुकर में डालेंगे। साथ ही में 3 कप पानी, 1 छोटी चम्मच हल्दी और 1 छोटी चम्मच नमक के साथ हम लोग इसे 5 से 6 सीटी में इसे बॉयल करना है। यहाँ पे मैंने 1/4 कप राइस लिया है, उसे पानी में डाल के हम लोग रख देंगे। जब तक कि वो राजमा बॉयल हो रहा है तब तक ये भी फूल जाएगा। अब हमें मसाले बनाने हैं। एक कढ़ाई में 1/2 टीस्पून के करीब धनिया डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे और उसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। 2 लौंग डालेंगे, 3 से 4 हमें यहाँ पे काली मिर्च डालना है। फिर एक बड़ी इलायची डालेंगे, 1 छोटी इलायची डालेंगे, 1 जावित्री का जो पीस होता है नटमेग का फूल, उसे जावित्री कहते हैं, तो वो भी डालेंगे हम लोग यहाँ पे। और फिर यहाँ पे डालना है दालचीनी, तो वो छोटा सा स्टिक दालचीनी का डालेंगे और सबको एरोमा आने तक हमें रोस्ट करना है। अब देखिए एरोमा आने लगी है, इसका मतलब है अब हमें इसमें घी डालना है। तो 1 टेबल स्पून के करीब हम लोग यहाँ पे घी डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 लार्ज साइज का प्याज जो है उसे चॉप कर लिया है और उसे डालेंगे हम लोग। फिर प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। जब प्याज ट्रांसल्यूसेंट होने लगे फिर इसमें हम लोग 1 छोटी चम्मच के करीब जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे और उसे अच्छे से फ्राई करना है। अब यहाँ पे 2 टमाटर को मैंने सिर्फ अच्छे से स्लाइस किया है और उसे हम लोग डाल देंगे। अब यहाँ पे 1 छोटी चम्मच नमक डालना है और 1 छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे। दोस्तों अगर आपको नमक में हमेशा अगर आपका ज़्यादा या कम हो जाता है तो फिर आप डायरेक्टली बाद में जब फाइनल डिश बने तो ही डालिए नमक। अब ये ढक के इसे पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब ढक के पकाने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, फिर उसे हम लोग अच्छे से चला लेंगे। फिर इसमें 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे और मिला लेंगे। अब इसे ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाए फिर इसे हम लोग एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इसका अच्छा सा बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। फिर सूखे मसाले बनाएंगे, तो उसके लिए 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, फिर हल्दी 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च 1 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर जो है वो 3 छोटी चम्मच डाल रही हूँ मैं, अमचूर पाउडर 1 छोटी चम्मच, सब्जी मसाला पाउडर 1 बड़ी चम्मच और सबको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारे सूखे मसाले जो है तैयार हो गया है। और अब हम लोग देख लेंगे कि 5 सीटी 6 सीटी के बाद ये पका है या नहीं, क्योंकि बहुत बार राजमा जो है वो 10 सीटी भी लग जाता है पकने में, तो हम लोग चेक कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, तो इसे हम लोग अलग रख लेंगे। अब एक कढ़ाई में हम लोग 2 टेबलस्पून के करीब घी डालेंगे, साथ में 1 पिंच के करीब हमें हींग डालना है और जो सूखे मसाले हमने बनाए हैं वो भी डाल देंगे। और उसे हमें अच्छे से मिक्स करते रहना है।
अब जो पिसे हुए मसाले हैं वो भी डाल देंगे और इसे हमें अच्छे से पका लेना है। अब इसमें राजमा डालेंगे और उसे अच्छे से मिला लेंगे। ये रेसिपी प्रतीक की है और प्रतीक ने ही इस रेसिपी को बनाया है, मैं बस आपको बता रही हूँ कि ये रेसिपी कैसे बना है। अब इसे ढक के हमें कम से कम 10 से 15 मिनट तक पकाना है। जो हमने सोक किया हुआ राइस लिया है उसे भी हम लोग इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 2 छोटी चम्मच नमक और डाला है ताकि इसमें नमक की कमी ना हो और उसे मिला लेंगे। ढक के फिर से हमें कम से कम 15 से 20 मिनट पकाना है। अब उसमें हम लोग 1 छोटे चम्मच के करीब धनिया पत्ता डालेंगे, उसे मिला लेंगे, स्विच ऑफ करेंगे फ्लेम को और इसे ढक के कम से कम हमें आधे घंटे तक रख देना है। उससे क्या होगा कि सारी अरोमा एक दूसरे में मिक्स हो जाएगी और धनिया पत्ता का भी अरोमा आ जाएगा इसमें। तो हमारी रेसिपी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।